To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार, हम रेन कुमार आचार्य सरस्वती विद्यामंदिर नई वहां सीतामढ़ी। तो भैया वहां आज हम लोग फिर एक बार ये द्वितीय कालांश में उपस्थित हैं। तो इसमें पिछले कालांश में जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे हम लोग आज पढ़ेंगे पृथ्वी अद्वितीय पर्यावरण वाला एक अनोखा ग्रह है ना। पृथ्वी अद्वितीय पर्यावरण वाला एक अनोखा ग्रह, ऐसा ग्रह सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उसमें एक भी ऐसा ग्रह नहीं पृथ्वी के जैसा। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जल है, स्थल है, पेड़ है, पौधा है, जीवन है कि नहीं, वायुमंडल है, सूर्य से अधिक दूर है, अधिक नजदीक है। हम लोग पिछले कक्षा में भी पढ़ा था कि सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं, जिसमें से 4 ग्रह जो है गैसीय ग्रह है और 4 जो है सो ठोस ग्रह, 4 ठोस ग्रह है और 4 गैसीय ग्रह है। तो पृथ्वी भी क्या है? ठोस ग्रह है ना। और अद्वितीय ग्रह कहने का अर्थ है कि यहाँ जीवन संभव है ना, पानी भी है, दूसरा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ जीवन है। अभी तक जो सौरमंडल के जो ग्रह है 8 ग्रह है, जहां तक वैज्ञानिकों द्वारा जो बताया गया है उसमें से एक पृथ्वी पर ही जीवन संभव है कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये पर्यावरण का जो मंडल है वह 4 है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल, ठीक है। यही 4 मंडल के कारण ही अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। ये 4 मंडल किसी दूसरे ग्रह पर नहीं पाए जाते है कि नहीं। तो ये पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के है ना चारों ओर फैले वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल समझ गए कि जो परत है वायु की परत है वह पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, इसमें अनेक गैस पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैस पाए जाते हैं है ना ये वायुमंडल में। तो ऑक्सीजन जो है सो मनुष्य के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे के लिए है और पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण गैस है और उसके अलावे भी बहुत सारे गैस ये वायुमंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। और वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर सूर्य की हानिकारक किरणों को भी पहुंचने से रोकती है। सूर्य के द्वारा जो हानिकारक किरण है वह भी पृथ्वी पर पहुंचने से ये जो है वायुमंडल का जो गैस है वह रोकता है ना। इसलिए क्या होता है कि यहाँ जलवायु और मौसम बदलता रहता है, नहीं तो जैसे दूसरे ग्रह पर है न जलवायु है और न मौसम बदलता है, वैसे हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे स्थल मंडल, ठीक है, जल मंडल के बाद स्थल मंडल। तो स्थल मंडल हम उसे कहते हैं पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को जिसमें चट्टाने और मृदा है। स्थल मंडल पृथ्वी की जो ठोस है सबसे ऊपरी परत चट्टान यानी कि पत्थर, मृदा मिट्टी, तो जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल ही वह स्थान है जहां मानव सहित विभिन्न जीव जंतु और पेड़ पौधे निवास करते हैं है ना। स्थल मंडल ही वह स्थान है जहां पर पेड़ पौधे जीव जंतु मानव निवास करते हैं, ठीक है। तो इसे हम
स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल मुख्यतः पृथ्वी की बाहरी ठोस पथरीली परत से बना होता है जिसे परपट्टी कहते हैं, है ना। जो जो बना हुआ रहता है ऊपर वाला उसको हम लोग कहते हैं परपट्टी। स्थल मंडल की औसत मोटाई 100 किलोमीटर है। ये स्थल मंडल जो है इसकी औसत मोटाई जो है 100 किलोमीटर, और इसी पर है ना पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विद्यमान है, समझ गए। और हम लोग आते हैं जलमंडल पर। जलमंडल किसे कहेंगे? तो जलमंडल पृथ्वी पर स्थित जल के संपूर्ण क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ऐसा नहीं दिया हुआ है, स्थल मंडल से अलग है ना। स्थल जो है जहाँ पेड़ पौधा जीव जंतु है वो स्थल मंडल, और पृथ्वी पर ही, पृथ्वी पर ही है ना संपूर्ण जल का जो क्षेत्र है उसको हम जलमंडल कहते हैं। झील और सागर महासागर इसके उदाहरण हो गए जलमंडल की। नदी, झील, सागर, महासागर इसके उदाहरण हो गए। जल पृथ्वी पर जीवन की वृद्धि और विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह पृथ्वी पर तीन रूप में उपस्थित है, ठोस, गैस और द्रव, है कि नहीं। पृथ्वी पर तीन रूप में उपस्थित अगर कोई है तो वह है जल, यानी कि जल मंडल जो है कि गैस के रूप में भी है, ठोस के रूप में भी है और द्रव के रूप में, यानी कि तरल पदार्थ के रूप में। गैस यानी कि भाप, वाष्प इसको कहते हैं, है कि नहीं। तो पृथ्वी पर साफ जल को उपलब्ध जल चक्र की प्रक्रिया के कारण संभव है। हम लोग जानते हैं कि सागर महासागर का जल खारा होता है, वह जल चक्र के माध्यम से ही शुद्ध होता है। वह भाप बन के ऊपर उठता है, बादल बनता है और बादल फिर वर्षा करता है, तो क्या होता है कि वह शुद्ध जल हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र। अब सबसे अंत में आता है जीव मंडल, है कि नहीं। तो जीव मंडल पृथ्वी और वायुमंडल का वह क्षेत्र है। जीव मंडल है ना क्या है? पृथ्वी और वायुमंडल का वह क्षेत्र है जहां जीवन है कि नहीं। जहां जीवन है वह जीव मंडल कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलकर परस्पर क्रिया करता है, यानी कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल आपस में मिलकर क्या बनता है? जीव मंडल। जो परस्पर क्रिया करता है उसे जीव मंडल का निर्माण होता है ना, जीवन संभव होता है। और जीव मंडल पादपों और पशुओं से मिलकर बना है। यह 15 लाख जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को पोषक तत्व तो और संसाधन प्रदान करता है, है कि नहीं। पोषक तत्व तो और 15 लाख जीवों इस पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के द्वारा बतलाया गया है कि 15 लाख प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं जिसके पोषक तत्व तो और संसाधन प्रदान करने का काम यही जीव मंडल करता है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने आज देखा क्या? पर्यावरण के मंडल, ठीक है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल, ये चारों मंडल के हम लोगों ने समझा, ठीक है। अब गिरी का नोट कर लेंगे। तो ये जो है ग्री का सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर याद करेंगे। शेष अगले कलम से। धन्यवाद।